रेमेटवा जिले की नवागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पैनभी में सरपंच सचिव ने मिली भगत करके गांव में बिना शौचालय निर्माण पूरे किए ही गांव को ODF घोषित करवा दिया। और इतना ही नहीं, खुद के पैसों से शौचालय बनाने वाले गरीबों के पैसे भी डकार लिए। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे घोटाले की शिकायत की है। ग्राम पंचायत पैनभी के ग्रामीणों की माने तो उनके द्वारा अपने पैसों से शौचालय बनाए गए थे, जिसकी राशि 12,000 देने की बात सरपंच सचिव के द्वारा की गई थी, लेकिन आज तक राशि नहीं मिल पाई। तो वहीं गांव के आधे से ज्यादा शौचालय ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य आज तक अधूरा है, और इसके बाद भी प्रशासन ने ग्राम पंचायत को ODF का प्रमाण पत्र दे दिया। में सिंगौरी के किसान इसलिए आए हुए हैं, हम लोग पिछले लगातार 15 दिनों से परेशान हैं गाय को लेकर। सिंगौरी के आसपास के क्षेत्र से भी गाय हमारे सिंगौरी में आ जाते हैं, और सिंगौरी के कुछ जानवर भी लवारिस के रूप में घूमते हैं, जिससे किसानों की फसल की क्षति हो रही है, फसल का नुकसान हो रहा है। और हम समस्त किसान मिलकर लगातार एक हफ्ते के अंदर लगभग 100 गाय पकड़े हैं। मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है मवेशी बांध के नहीं रखते, हमारा मवेशियाँ घूमते रहते हैं और एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। दिलीप साहू जोड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया? ग्राम पंचायत पेंट्री का है और पुटपुरा का है, इतना बड़ा धांधली इसलिए हुआ है क्योंकि शौचालय तो बना तो दिए हैं, शासन की ओर से बना दिया है, लेकिन सरपंच सचिव ना उनको पैसे दे रहे हैं ना उनको राशि दे रहे हैं। तो शासन के जिला पंचायत की अगर बात किए तो वहां से राशि जारी हो गया है, कर्मचारी खत्म आ गया है, लेकिन जो हितग्राही है उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी कारण हितग्राही लोग जो कलेक्टर के जनदर्शन शिकायत करने आ रहे हैं बार बार। जी शुक्रिया जानकारी के लिए।